जालौर के रानीवाड़ा में वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में कनिष्ठ सहायक को ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में बताया गया कि नर्सिंग कर्मचारियों का करीब 1.5 साल का वेतन बकाया चल रहा है और इसकी शिकायत के बाद भी विभाग के उच्च अधिकारी वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। 7 दिन में वेतन भुगतान नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। वाड़ा में जितने भी नर्सेस काम कर रहे हैं उनकी 2 महीने से लगा के और 20 महीने तक की सैलरी बाकी है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को बार बार मौखिक रूप से और लिखित में निवेदन किया, उसके बाद भी सैलरी नहीं मिल रही है। तो आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम SDM साहब के ऑफिस में आए, यहाँ उनके मार्फत से हमारी मांगें रखी है और मुझे डिसेस करके उसके बाद पाली भेजी जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 2/1/19 को सैलरी देने के लिए 14 दिन के अंदर सैलरी देने का आदेश दिए थे जो अब तक नहीं हुए। इस बाबत हमने CMSO सर को, डायरेक्टर सर को, BCMO सर को सबको अवगत करा दिया, लिखित में दे दिया, टेलीफोनिक दे दिया। उसके बावजूद आज तक सैलरी नहीं मिली है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बाइक का पेट्रोल घर से पापा से पैसे लेने पड़ रहे हैं। 20 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों की फीस, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज हम SDM साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमें जल्द से जल्द इस मामले में अवगत कराएं और हम समस्या का समाधान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।